हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फटाफट से आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड यानी कि बीटीसी 2023 में हम काउंसलिंग कैसे कराएंगे, क्योंकि काउंसलिंग की डेट आ गई है, रैंक भी आपको पता चल गई है। अब बात करते हैं काउंसलिंग हमें कैसे करानी है। तो स्टेप बाय स्टेप हम एक एक चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाली हूँ, कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। वो कौन सी चीज़ें हैं, आइए डिस्कस कर लेते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। जिन लोगों ने रैंक चेक नहीं करी, पहले रैंक चेक कर लीजिए, आप काउंसलिंग के लिए तैयार हो जाइए। किस रैंक को कब करानी होगी काउंसलिंग आपकी, इसके बारे में बात करेंगे। और काउंसलिंग कराने में आपके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका फोकस रखना, तभी आपको सही कॉलेज। क्योंकि देखो, आपके 5,000 रुपए जा रहे हैं, आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आज की आपकी इन्फॉर्मेशन में। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि काउंसलिंग किस रैंक वालों को कब काउंसलिंग करानी। तो आइए देखते हैं, ये नोटिस जो है वो आया था पीएनपी के साइड से। आपका जो बीटीसी कराती है वो कराती है, पीएनपी कंडक्ट कराती है। उन्होंने ये प्रॉपर आपके समय सारणी जो है वो आपको प्रोवाइड करी थी कि किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस रहनी है, कब आपको कॉलेज फिल करने हैं, किस दिन कॉलेज आपको मिलेगा, किस दिन जो है वो एडमिशन लेना है, किस तरीके से क्या प्रोसेस रहेगी, इस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं क्या प्रोसेस रहने वाली है। तो कहा गया था आपके, अगर हम यहाँ बात करते हैं मेन अपने यहाँ पे पहुंचते हैं, आपकी काउंसलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुई थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन अब आपकी कल से काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि बात करते हैं सबसे पहले जो काउंसलिंग है, फर्स्ट आपके राउंड का, देखिए आप यहाँ पे लिखा है 2 राउंड में काउंसलिंग हो रही है। एक चीज आपको और बता दूं, काउंसलिंग जो है, अगर हम बात करते हैं काउंसलिंग की, तो आपके काउंसलिंग जो हो रही है वो हो रही है 2 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में कैसे हो रही? पहले तो आपका चलेगा फर्स्ट राउंड वालों की काउंसलिंग जो है वो आपकी होगी, 2 राउंड में काउंसलिंग जो है वो होने वाली है। उसके बाद सेकंड राउंड की काउंसलिंग जो है वो आपकी होगी। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कर रहे हैं, जिसमें आपके एक रैंक से लेकर 2.4 लाख जिसकी रैंक है उसका आपके फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग होगी। और जिसकी रैंक आपके 2.4 लाख से प्लस में है, एक नंबर भी प्लस है, उनकी जो है वो आपके सेकंड राउंड में काउंसलिंग होगी। ये रैंक की बात की जा रही है। ओके, ये बात हमें कंफर्म हो गई किस राउंड की कब काउंसलिंग हो रही है। आगे आ जाइए, अब बात करते हैं क्या प्रोसेस रहेगी, इस पर हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं क्या कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग जो है वो कब होगी। और फर्स्ट राउंड में फर्स्ट स्टेप, आपके फर्स्ट राउंड की फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, तो 18 सितंबर 2023 को शाम को, मतलब कि 18 सितंबर की शाम को जो है वो काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और ये कब तक होगी, ये केवल 20 सितंबर तक स्टार्ट आपकी रहेगी। 2 दिन आपकी काउंसलिंग होनी है। किस रैंक से किस रैंक तक? 1 से लेकर आपके 20,000 तक, यानी कि एक रैंक से लेकर 20,000 वालों की काउंसलिंग कब होनी है, 18 सितंबर को शाम से 20 सितंबर, केवल 2 दिन होनी है। डेट का बहुत खास ध्यान रखें। और आपको कब पता चल जाएगा, 21 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला हुआ है। ओके, साथ ही साथ हम बात करते हैं, जब ये आप काउंसलिंग कराओगे तो यहाँ पे आपको कॉलेज फिल करने पड़ेंगे, जिसके लिए 5,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे, तभी आप कॉलेज फिल कर पाओगे। अब आपको महत्वपूर्ण बात ये बताती हूँ, जब भी आप कॉलेज फिल करना, अगर कोई आपको एक कॉलेज लेना है, क्या है, एक कॉलेज लेना है, वो प्राइवेट लेना है, या आपको कोई डाइट कॉलेज जो है वो लेना है, तो आप क्या करेंगे? अगर केवल एक ही कॉलेज आपकी पहली चॉइस अगर हमें यही मिलेगा तभी लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको केवल एक ही कॉलेज फिल कर देना है। क्या कर देना? केवल एक ही कॉलेज जो है वो फिल कर देना है, 5,000 रुपये देके एक कॉलेज फिल कर दीजिए। ओके, अब एक दूसरा हम सिनेरियो बात करते हैं, दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी चीज ये है आपके कि अगर आपको डाइट कॉलेज ही केवल चाहिए, क्या चाहिए, केवल डाइट कॉलेज ही चाहिए आपको, आप प्राइवेट कॉलेज से बीटीसी करना ही नहीं चाहते, तो आपको क्या करना है, आपको सारे ही डाइट कॉलेज भर देने हैं। मैंने कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड करा दी है, डाइट कॉलेज यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, दोनों ही कॉलेजों की लिस्ट आपको मैंने प्रोवाइड कर दी है। तो उस लिस्ट में देख के आप अपने कॉलेज फिल कर सकते हो। तो आपको सारे ही डाइट कॉलेज ही फिल करने हैं जितने उत्तर प्रदेश में, और फिलिंग करने की जो आपकी टाइम है, संख्या है, वो अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड आप कॉलेज जो है वो फिल कर सकते हो। कितने आप 500, 50, 100, 200 जितने कॉलेज फिल करना चाहे उतने कॉलेज फिल कर सकते हो। ये सेकंड सिनेरियो हो गया। अब थर्ड सिनेरियो की बात करते हैं। थर्ड क्या है? थर्ड अगर हम सिनेरियो देखते हैं, थर्ड सिनेरियो आपका ये हो जाता है कि आपको क्या है, आप ये देखते हो कि अगर हमें डाइट भी मिल जाए, आप चाह रहे हो हमें डाइट भी मिल जाए और प्राइवेट भी मिल जाए। अगर हम कोई भी हमें अगर डाइट नहीं मिला तो हम प्राइवेट से कर लेंगे, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डाइट कॉलेज फिल कर देना, जो आपके आसपास डाइट कॉलेज है पहले वो फिल करना, उसके बाद क्या करना, उसके बाद लास्ट में एक प्राइवेट कॉलेज जरूर फिल कर देना जो आप लेना चाहो। बाई चांस आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको डाइट ना मिले तो लास्ट में कम से कम प्राइवेट कॉलेज तो मिल जाए, क्योंकि अब तो इस बार तो प्राइवेट कॉलेज मिलना ही मुश्किल है। 1 लाख बच्चा तो ऐसा है जिसे कॉलेज ही नहीं मिलेगा, आप समझ रहे हो मेरी बात को, इसलिए इस बार कॉलेज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर डाइट नहीं मिल रहा है तो लास्ट में एक जरूर प्राइवेट कॉलेज भर दें, क्योंकि वो कॉलेज आपको दे दे, क्योंकि जितने भी कॉलेज आप फिल करोगे ना, उन्हीं में से कोई एक कॉलेज जो है वो पीएनपी आपको देगी और उसी में फिर आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। आप कॉलेज चेंज नहीं करा सकते हो, याद रखना। फिल करते टाइम इस बात का बहुत ध्यान रखना कि आप जो भी कॉलेज फिल करोगे पीएनपी, उन्हीं में से आपके मेरिट के अकॉर्डिंग कोई एक कॉलेज आपको प्रोवाइड करेगी, उसी में एडमिशन लेना पड़ेगा और आपको सारी प्रोसेस उसी में करनी पड़ेगी। चेंज आप नहीं कर सकते, आपका पैसा रिफंड नहीं आएगा, इन बातों का कुछ ध्यान रखना। ओके, साथ ही साथ बात कर लेते हैं आपके नंबरिंग। सबसे पहले वही कॉलेज भरना जो आपको प्रेफर करना है,
ओके, फोर्थ पॉइंट ये है। सेकंड, आप फिर वही कॉलेज भरना। आप नंबरिंग जो है वो क्या है, क्रम के अनुसार रखना कि सबसे पहले ये, दूसरा ये, आपकी चॉइस, अपनी चॉइस को क्रम के अनुसार रखना कि सबसे पहले अगर आपको डाइट पुखराया लेनी है तो डाइट पुखराया, दूसरे नंबर पर डाइट झांसी, तीसरे नंबर पर डाइट जालौन, चौथे नंबर पर डाइट आगरा, आपके पांचवें नंबर पर डाइट कानपुर। इस तरीके से जो है वो आपको प्रॉपर जो है वो क्रम में फिल करने हैं अपने नंबर उन्हीं में से, क्योंकि आपके क्रम के अनुसार ही जैसी मेरिट आएगी वही डाइट आपको प्रेफर कर दिया जाएगा। अगर आप मेरिट बहुत अच्छी है तो केवल आपके है, आपको जो डाइट चाहिए, अगर आपने वाराणसी डाइट भरी और मेरिट बहुत तो सबसे पहली वाली डाइट आपको दे दी जाएगी। ओके, ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, इस बात को बहुत ध्यान रखना आप जब भी कॉलेज फिल कर रहे हो। और अपनी लिस्ट बना लीजिए कौन कौन से कॉलेज आपको फिल करने हैं, अपने आसपास के कॉलेज जो है वो फिल कर देना, और डाइट अगर मिल रहा हो तो डाइट को प्रेफर देना, क्योंकि डाइट में बहुत ईजी तरीके से बिना झिकझिक किक के आपके जो डीएलएड है वो बहुत आराम से हो जाएगा। ओके, ये कन्फर्म हो गया, बाकी आ जाइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या चीज़ें रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं, ये तो हमारी क्या होगी, ये तो हमारा केवल एक से लेकर 20,000 रैंक वालों की होगी। अब 20,000 से प्लस वालों की कब होगी, तो 20,000 एक रैंक से लेकर 80,000 वालों की कब होगी, आपकी होगी 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक जो है वो काउंसलिंग होनी है। ठीक है, उसी के साथ अगर आपने पहले वाले में जो फर्स्ट स्टेप में काउंसलिंग हुई थी, अगर आप वहाँ काउंसलिंग नहीं करा पाए हैं, बाई चांस छूट गई है या कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता, इसलिए इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा देना जिससे कि उनकी काउंसलिंग ना छूटे। ओके, और दूसरी चीज़ क्या है, अगर ऐसे अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण संस्थान मिला ही नहीं, अगर आपको जो फिल किए थे उसमें से कोई भी एक आपको डाइट या आपको कॉलेज नहीं मिला, तो आप दोबारा भी करा सकते हो अपनी काउंसलिंग, कोई समस्या नहीं। अगर आपको नहीं मिला, अगर मिल गया तो आप दोबारा काउंसलिंग नहीं करा पाओगे। ओके, अब आती है थर्ड स्टेप की काउंसलिंग, जो कि है आपके 27 सितंबर 2023 है यहाँ पे। ओके, और 31 सितंबर को आपके होनी है। ये कौन से रैंक वालों की होनी है, तो ये होनी 80,000 एक से लेकर 1,50,000 वाले बच्चे जो हैं, जिनकी रैंक 80,000 एक से 1,50,000 तक है, वो लोग काउंसलिंग कराएंगे 17 से 31 सितंबर तक। अपनी काउंसलिंग की डेट जरूर देख लें, अपनी रैंक के अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग की डेट जरूर याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 26 सितंबर को आपके सेकंड स्टेप के जो है वो रिजल्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिला, और 1 अक्टूबर को थर्ड स्टेप यानी कि 27 सितंबर 31 सितंबर वाले जो 80 से 1,50,000 वाले बच्चे हैं ना, उनका 1 अक्टूबर को रिजल्ट आ जाएगा कि उन्हें कौन सी डाइट जो है वो दी गई है। ओके, ये बात याद रखना। फोर्थ स्टेप की काउंसलिंग जो है वो कब होगी, तो फोर्थ स्टेप सबसे लास्ट स्टेप है, फोर्थ स्टेप जिसकी काउंसलिंग 1 अक्टूबर से आपके होनी है, सारी शाम को ओपन होंगे आपको, 1 अक्टूबर को शाम से 5 अक्टूबर तक होनी है, और ये आपकी रैंक 1,50,000 एक से लेकर 2,40,000 वाली जिसकी भी रैंक है उनकी काउंसलिंग होनी है। जैसे फर्स्ट और सेकंड में नहीं मिला है कॉलेज वो भी काउंसलिंग करा सकते हैं, या फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप की काउंसलिंग भूल गए थे नहीं पता चल पाया, तो वो लोग भी करा सकते हैं, और उसका रिजल्ट 6 अक्टूबर तक आ जाएगा। जैसे ही आपकी काउंसलिंग होगी वैसे ये है, वैसे ही आप 25 सितंबर से, किससे, 25 सितंबर से जो है वो अपना कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर देंगे। जो भी कॉलेज आपको मिलेगा उसमें आपका 25 सितंबर से एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा 15 अक्टूबर तक। जिस जैसे ही आपको कॉलेज मिले फटाफट से एडमिशन कराओ, कॉलेज मिले एडमिशन कराओ, ये वाली प्रोसेस रहनी है। तो 25 से 15 अक्टूबर तक एडमिशन हो जाएगा आपके, 5:30 बजे तक प्रवेश लेने की अंतिम तिथि है, समझ रहे। यहां आप एक चीज याद रखना कि आप जो भी कॉलेज में जाओगे सुबह आपके कॉलेज खुलता है और शाम को 5 बजे जो है वो कॉलेज बंद हो जाता है, याद रखना। ओके, तो जो भी आप कॉलेज में अपना एडमिशन लोगे, जैसे बहुत दूर दूर कोई बच्चा जाता है, तो याद रखें कि सुबह 10 बजे कॉलेज ओपन होता है और शाम को 5 बजे वो डाइट हो या प्राइवेट कॉलेज हो, डीएलएड के सारे ही कॉलेज 10 से 5 जो है वो ओपन रहते हैं, इसलिए अपनी एडमिशन उसी टाइम कराने जाएं। एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करूंगी, वहां सारी चीजें मैं आपको अरेंज वे में बताऊंगी। ओके, तो ये जो है वो ध्यान रखना कि आपके एक रैंक से लेकर 20,000 रैंक वालों की काउंसलिंग फर्स्ट स्टेप में होनी है, सेकंड स्टेप में 20,000 एक से लेकर 80,000 वालों की काउंसलिंग होनी है जो 21 सितंबर से है, थर्ड स्टेप में 80,000 एक से लेकर 1,50,000 वालों की काउंसलिंग होनी है जो कि 27 सितंबर से है, और आपके सबसे फोर्थ स्टेप की काउंसलिंग 1,50,000 एक से लेकर आपके 2,40,000 वाले जो बच्चे हैं उनकी काउंसलिंग 1 अक्टूबर को होनी है। तो आपको क्या करना है, आपको जहां से आपने फॉर्म भरवाया है वहीं से जाके अपना क्या है, आप कोशिश करिए खुद से आप मत करने की कोशिश करना, क्योंकि कहीं बाय चांस गलती हो गई तो आपको समस्या आ सकती है, इसलिए जिस भी कैफे में आपने फॉर्म भरवाया था उस कैफे में जाके ये काम भी वहीं करवा लेना, ज्यादा बेटर है आपकी कॉलेज फिलिंग की प्रोसेस। अपनी लिस्ट बना के उसको दे देना कैफे वाले को, ऑनलाइन जो फॉर्म फिल करते हैं उनसे कह देना भैया एक क्रम में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ आपके, इसी क्रम में जो है वो आप जो फिल है कॉलेज कर दीजिए। ओके, तो अपने हाथ से थोड़ी कम करना, बाय चांस गलती हो गई, क्योंकि यहां पे करेक्शन का कोई शेड्यूल नहीं है, करेक्शन नहीं होना, एक बार गलती हो गई मतलब हो गई, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि काउंसलिंग आपकी कराने जाओगे और 5,000 रुपए तभी आपको देने हैं जब आप क्या है, तब जब आप 5,000 रुपए दोगे तभी कॉलेज फिल कर पाओगे, समझ गए ना। तो कॉलेज फिल क्या कर पाओगे, तभी कर पाओगे जब 5,000 रुपए दोगे। उसके बाद सुनो, उसके बाद क्या आगे क्या है, 21 सितंबर को जैसे ही आपको पता चल जाए कि आपको कॉलेज हो गया अलॉट, क्या हो गया, अलॉट हो गया है, अब आपको क्या करना, अलॉट होने के बाद आपको कंफर्म करना है, और कंफर्म करने के लिए फिर यहाँ 5,000 रुपए जो है वो आपको देने पड़ेंगे। ओके, जैसे ही आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा 21 तारीख को, वैसे आपको उस कॉलेज को कन्फर्म करने के लिए कि हाँ मैं इसी कॉलेज में एडमिशन ले रही हूँ, आपको फिर से 5,000 रुपए देने पड़ेंगे, और फिर जाके आप एडमिशन कराओगे, एक लेटर मिलेगा, वो लेटर जरूर ले लेना, अलॉटमेंट लेटर उसे कहते हैं, वो लेटर आपके कॉलेज में जाके लगेगा, तभी आपका एडमिशन
होगा. ओके तो ये दो प्रोसेस रहेंगी. एक कब है आपकी, एक तो कॉलेज फिल करते टाइम 5,000 रुपये लेंगे, और जो भी कॉलेज मिला है उसको कन्फर्म करते टाइम भी आपको 5,000 रुपये देने हैं. जो जैसे ही कॉलेज मिले अपना कन्फर्म कर दीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है कॉलेज उसी में एडमिशन ले लीजिएगा, उसे कन्फर्म कर दीजिए. अगर आपके मन का कॉलेज नहीं मिला और आपको लग रहा है कि मुझे DL Ed में एडमिशन भी नहीं लेना है, तो फिर क्या करते हैं, तो फिर आप ये कर सकते हो कि आप ना कराएं अलॉटमेंट जो है वो, आप कन्फर्म मत कराएं अपने जो कॉलेज आपको मिला है, कन्फर्मेशन मत कराइएगा. ओके ये प्रोसेस रहेगी. तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखिएगा कि क्या कैसे रहने वाला. अगर कोई भी डाउट है आपका तो मुझे जरूर बता देना. साथ ही साथ मैं आपकी कॉलेज की लिस्ट, मैंने प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज आपके सारे ही मैंने लिस्ट में दे दिए हैं, उसकी लिंक, लिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी. तो वहां से जाके आप चेकआउट कर लेना कि कौन कौन से कॉलेज हैं आपके घर के आसपास या आपके रिलेटिव के घर के आसपास कौन कौन से कॉलेज हैं, इस बात का ध्यान रखना और वहां पे फिल कर देना. ओके क्रम से फिल करना, क्योंकि जो आप पहले नंबर पर दूसरे नंबर थर्ड नंबर पर फिल करोगे वैसे ही कॉलेज मिलेंगे. सेम ऐसा भी हुआ था जहां मैंने जो मुझे डाइट मैंने फिल किया था, मैंने सबसे ऊपर जो डाइट फिल करी थी मुझे वही डाइट मिल गई थी क्योंकि मेरी मेरिट काफी अच्छी थी आपके. ओके तो सेम आपको यही करनी है कि आपको भी सबसे ऊपर अपना कॉलेज जो है वो फिल कर देना है. ओके ये बात कंफर्म हो गई. चलिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.